जनपद में दो लेयर में पुलिसकर्मी गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम को सुरक्षा दे रहे हैं, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के ईवीएम को रखने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में 3 स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जिसमें पीएससी व उनके पर्यवेक्षण के लिए 1 उपनिरीक्षक को 24 घंटे के लिए लगाया गया है और 2 पुलिस उपाधीक्षकों को लगाया गया है जो कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे ईवीएम की सुरक्षा की देखरेख मेरे द्वारा की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, ये नगर निगम के लिए हमारे यहाँ क्षेत्र में 3 स्ट्रांग रूम बने हुए हैं, जिनको लेकर अलग अलग तीनों स्ट्रांग रूम पे पीएसी लगाई गई है। साथ ही साथ उनके पर्यवेक्षण के लिए 1 उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी को 24 आवर लगाया गया है। 2 पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणधीन है जो इस समय, उनको इनकी सुरक्षा के मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है और ओवरऑल जो सुरक्षा का प्रभार है वो मेरे पास रखा गया है। तो जो डबल लेयर की सुरक्षा यहाँ पे लगाई गई है, साथ ही साथ सभी जगह सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है।